मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, बनाया है मेरी बेटी ने, इसीलिए मैंने इसको बिना एडिट किए आपके सामने उसने जो बनाया है वो वीडियो एज इट इज़ रख दिया है। होप आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चल रहा है कोरोना काल और इसमें चल रहा है लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हमें मिल नहीं पाए। तो मेरी बेटी ने आज बनाया है स्माइली चाइनीज़। जो भी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स थे उसने बहुत ही बढ़िया बना के दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर रही है वो। उसने लिए हैं स्माइलीज और उसको उसने एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तल लिया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये स्माइलीज, और इसको उसने अच्छे क्रिस्पी होने तक तल लिया है। फ्रेंड्स, ये एकदम जुगाड़ू स्नैक्स है। और इसके बाद उसने बड़े बड़े लंबे लंबे प्याज काट के तेल में डाल दिया और उसके बाद उसको उसने किया है अच्छे से फ्राई। लॉकडाउन की वजह से कुछ सब्जियां मिल नहीं पा रही थी फ्रेंड्स, लेकिन ओनियन अवेलेबल थे तो उसने ओनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको इसने फ्राई किया और उसके बाद अब इसमें ये डाल रही है विनेगर। एक चम्मच के लगभग विनेगर डाला है उसने और उसके बाद अब ये डालेगी सोया सॉस। थोड़ा सा उसने पहले ज़्यादा ले लिया लेकिन फिर उसको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसने थोड़ा डाल के लगभग हाफ टी स्पून लिया है। और इसके बाद अब इसने डाला इसमें सेजवान चटनी लगभग 2 टीस्पून। पूरा चाइनीज़ बना रही है वो और उसने सेजवान चटनी इसमें डाल दिए और अब वो अच्छे से इसको मिक्स करेगी। और साथ में उसने डाल दिया है अभी सॉस, 2 चम्मच के करीब उसने सॉस डाला है इसमें। और इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। बहुत इजी रेसिपी बनाई है और इसमें हनी भी डाला है इसमें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हनी भी डाल रही है उसने, 2 टीस्पून के लगभग उसने हनी डाला है। और वो जो बना रही थी मैंने उसका वीडियो चुपचाप रिकॉर्ड किया है। और थोड़ा सा इसने डाला है अब पानी और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। वाओ, क्या गजब की ग्रेवी बन गई है। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन में कुछ मिल नहीं रहा था, उसने जो घर की चीज़ें हैं उससे ही कुछ नया बनाने की कोशिश की। आखिर है तो मेरी बेटी ना। और अब इसने ये जो क्रिस्पी स्माइलीज हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। वाओ, अच्छा है ना, इनोवेटिव आइडिया। तो ये उसने डाल दिए हैं एक एक करके और अब ये क्या करेगी देखते हैं। मुझे तो लगता है मिक्स करेगी। तो ये अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेगी। देखिए पूरे सावधानी से कर रही है, आराम से उसने चिमटे से पहले कढ़ाई को बैलेंस दे दिया और उसके बाद वो बिल्कुल धीरे धीरे कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों से सीखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते समय। वाओ, देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में इसने क्या चटपटी चीज़ें बना ली, एकदम मस्त। बस उसका मन था मदर्स डे पे कुछ अनोखा करने का, सो उसने किया। वाओ, कितने टेस्टी होंगे ये, और ये सब मेरे लिए बना रही है वो। ज़्यादा उसने उसको गर्म नहीं किया, गैस को उसने पहले ही बंद कर दिया था। और फ्रेंड्स, मैंने बिना किसी एडिट के इस वीडियो को आपके सामने पेश किया। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब मैंने ये स्माइलीज खाए तो मुझे बहुत ही अल्टीमेट लगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शिमला मिर्च है और स्प्रिंग ऑनियंस भी हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, टेस्ट एकदम 2 गुना हो जाएगा। मेरे पास तो जो मेरी बेटी के पास घर में इंग्रेडिएंट्स थे हमने उसी से इसको बनाया है, लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल अल्टीमेट बना है। और बच्चों को तो वैसे भी सिंपल ही पसंद आता है, वो तो वैसे भी शिमला मिर्च ये सब निकाल के वैसे भी फेंक ही देते हैं, तो इससे अच्छा आप न डालें तो ये अच्छा है। तो वो आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप इस बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब मैं तो जा रही हूँ, स्माइलीज ये प्लेट ये मेरे लिए ही बना रही है। वाओ, तो गुड बाय।